सलूबर नव वर्ष समारोह समिति की बैठक का हुआ आयोजन। नव वर्ष पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में जुड़ेंगे 20,000 पुरुष। कार्यक्रम की हो रही जोरदार तैयारी। सलूबर नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में नव वर्ष समारोह समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 3 अप्रैल को होगा। वहीं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सलूबर जिला प्रचारक अंकित कुमार द्वारा उक्त समारोह की भव्यता और ऐतिहासिकता को सक्रियता से जुड़ने का आह्वान किया। जय श्री राम। वर्तमान में दिनांक 3 अप्रैल 2022 को भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से सलूबर नगर में एक विशाल भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है, जिसमें हिंदू समाज के सभी आधारभूत घटक इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। इसी निमित्त दिनांक 6 मार्च 2022 को एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज के नवयुग मंडल के व सभी प्रकार के कार्यकर्ता बंधुओं ने भाग लिया। बैठक में लगभग 400 से अधिक जनसंख्या रही और उसी बैठक के अनुरूप इस कार्यक्रम की भव्यता को बनाने के लिए सभी माता बहनें और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने संकल्प लिया। इस शोभा यात्रा में 22,000 से अधिक लोग भाग लेने का जो लक्ष्य लिया गया है, शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए हाथी, 50 घोड़े, बुलेट पर सवार रणबांकुरे, 5,000 माता बहनों की कलश यात्रा, विभिन्न समाज व जातियों से आई हुई 40 से अधिक झांकियां और 20 डीजे रहने की संभावना है। इस बात को लेकर समाज में काफ़ी उत्साह है। माता बहनों द्वारा व समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा नगर में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ऑयल पेंट से बनी रंगोली बनाने का भी विचार समिति द्वारा किया गया है। इस प्रकार पूरे आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो बैठक आयोजित हुई, उसमें जनता का उत्साह है और मैं आशा करता हूँ कि 3 अप्रैल को जो यह भव्य आयोजन होने वाला है, उसका पूरा समाज व पूरा सलूबर इसका साक्षी रहेगा। जय श्री राम।